और इसी बीच एक बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए सख्त टिप्पणी की है। रेप के एक मामले में कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को रेप की धारा के तहत दोषी करार दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति भी बनाई है जो आरोपी की सजा की अवधि पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जजमेंट देते वक्त कोर्ट को अपनी निजी राय या उपदेश से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक और गैर जरूरी बताते हुए अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकारों का हनन बताया। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, महिलाएं सुरक्षा से वंचित हो रही हैं और महिलाओं को सुरक्षा नहीं तो उनके अधिकारों का हनन जरूरी है, तो उनके हनन को लेकर दरअसल ये कहा गया है कि अगर सुरक्षा नहीं तो उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। ये बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई हैं। तो गुरुवार तक सीबीआई स्टेटस को लेकर भी कहा गया कि स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जाए, एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई, ये भी सवाल पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये 10 बड़ी बातें कही हैं। हमें डॉक्टरों की सुरक्षा की चिंता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये देश के डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला है और पीड़िता का नाम उजागर होना चिंताजनक है। ये सभी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सख्त टिप्पणी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई। तो शव सौंपने के 3 घंटे बाद एफआईआर दर्ज क्यों की गई और एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई, ये सभी सवाल यहां पर उठाए गए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से खुद मामले में संज्ञान लिया गया है। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और अब सुनवाई के बाद ये बातें निकलकर सामने आई हैं। गुरुवार तक सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दे, ये सभी बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई हैं। हम नेशनल टास्क बनाने जा रहे हैं और कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की है।